बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हम दवा तो कर रहे हैं बाल आने के बाद, क्या जब हम दवा बंद करेंगे तो वापस बाल झड़ जाएंगे? स्पेशली मिनोक्सिल को लेकर के लोगों का ये कंसर्न रहता है कि क्या जब हम मिनोक्सिल को लगाना बंद करेंगे तो बाल वापस से झड़ने लग जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वजह थी आपके बालों के गिरने की। जैसे टिलोजन इफ्लूवियम किसी तरह के स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, और इस केस में जब आप मिनोक्सिल लगाना शुरू करते हैं और आपके बाल अच्छे हो जाते हैं तो फिर मिनोक्सिल को बंद करने के बाद भी आपके बाल झड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो कॉज था हेयर फॉल का उसे हमने पूरी तरह से ठीक कर लिया। टिलोजन इफ्लूवियम बेसिकली कई प्रकार के स्ट्रेस की वजह से जनरलाइज्ड हेयर लॉस होता है। लेकिन अगर आपको एंडोजेनिक एलोपेशिया, जो कि हॉर्मोन्स की सेंसिटिविटी की वजह से होता है, उस केस में थोड़ा मुश्किल होती है। फीमेल्स में दरअसल हॉर्मोन्स साइकिल्स में आते और जाते हैं पीरियड्स की साइकिल के अकॉर्डिंग, तो उनके केस में हार्मोनल एलोपेशिया भी ठीक हो जाता है, लेकिन मेल के केस में ये सेंसिटिविटी लगातार लंबे एज तक बनी होती है, और इसीलिए जब बाल झड़ना शुरू होते हैं तो वो लंबे एज तक धीरे धीरे कम ही होते चले जाते हैं। पर इसमें भी एक फैक्टर है, और वो है आपकी एज। अगर आपकी एज कम है तो हम बालों को रिगेन भी कर लेंगे और दवाइयों को सक्सेसफुली बंद भी कर देंगे, और आपके बाल नॉर्मल बने रहेंगे कई सालों तक। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 40, 45, 50 के अराउंड हो गए, तो फिर हम लंबे टाइम तक हमें मिनोक्सिल लगाना पड़ेगा और हम इसे बंद नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना क्लीन है, इतना क्लियर है कि बस आपने दवा लगाई ठीक हो गया, दवा छोड़ दिया बंद कर दिया, ऐसा हमेशा नहीं होता। एलोपेशिया एरिएटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बाल 1-1.5 महीने में जो पैचेज में होते हैं वो सब बाल वापस आ जाते हैं। अब किसी किसी में ऑटो इम्यून प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहता है अंदर से, यूनिवर्सलिस जिसको बोलते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म तक उस ऑटो इम्यून प्रोसेस को सप्रेस करने की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। किसी किसी में एक या दो पैचेस बन गए वो ठीक भी जाते हैं और दवाइयाँ बंद भी जाती हैं, और सालों साल तक कोई दवा नहीं करनी पड़ती। एक और भी फैक्टर है कि जो आप दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं मिनोक्सिडिल, उसे बंद करने का भी एक खास तरीका होता है। कभी भी दवाइयों को सडन नहीं बंद करना चाहिए, हमेशा उसकी डोज टैपरिंग की जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जाती है, उसका कंसंट्रेशन कम किया जाता है, ताकि धीरे धीरे जो लेवल है उसका वो धीरे धीरे करके कम हो। सडन स्टॉप करने पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रिबाउंड फिनोमेना होता है, अचानक से बाल झड़ने लगते हैं अगर आपने सडन दवाइयाँ बंद कर दी हैं। तो कंक्लूजन ये है कि दवाइयों को बंद करने के बाद बाल वापस से नहीं झड़ेंगे। अगर मिनोक्सिडिल आपको बंद करना है तो ग्रेजुअली टेपर करके बंद करना है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाल झड़ेंगे, अगर कम एज है तो ज़्यादा संभावना है कि बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर ऑटो इम्यून प्रोसेस है, एलोपेशिया एरेटा है, तो उस केस में ऑटो इम्यूनिटी का लेवल डिसाइड करेगा कि कितने दिन खाना पड़ेगा। अगर टीलोजन इफ्लूवियम है तो सबसे अच्छा केस है, आपके बाल कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाएंगे और आपको कोई दवा नहीं करना पड़ेगा, और मिनोक्सिडिल आप आसानी से बंद भी कर देंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर व्यक्ति का केस अलग होता है, कुछ लोगों का केस ऐसा रहता है कि उनका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहता है कि दवा किया बेटर हुआ लेकिन छोड़ने का तरीका ठीक नहीं था, सडन था, या फिर उनकी प्रॉब्लम ऐसी थी कि हॉर्मोनल जो प्रॉब्लम थी अंदर से वो ठीक नहीं हुई थी, इस वजह से हेयर फॉल फिर से शुरू हो गया। तो उनका ये इमेज बन जाती है कि नहीं, अब जब भी मैं दवा छोड़ूंगा करूंगा तो क्या फ़ायदा, छोड़ूंगा तो फिर से बाल झड़ लेंगे। लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर लोगों में, हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ज़्यादातर लोगों में दवाइयाँ लेने के बाद जब बाल अच्छे होते हैं तो उनको एक सही सिस्टमेटिक तरीके से कम करके हम दवाइयों को स्टॉप भी कर सकते हैं और बाल अच्छे बने रहते हैं।